डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो रूटेसी फैमिली है, इम्पॉर्टेंट है टेक्सोनॉमी में। जो एंजियोस्पर्म का जो पेपर है, इसमें रूटेसी फैमिली काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आज हम इसके बारे में देखेंगे। तो फैमिली रूटेसी, ठीक है, इसको हम द सिट्रस फैमिली भी कह रहे हैं। ठीक है, सिट्रस फैमिली, अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसको अलग अलग प्रकार से क्लासीफाई किया। बेंथम हुकर 1862 ने किस प्रकार क्लासीफाई किया ये बताया गया है यहाँ पर, और जो साइंटिस्ट थे हचिनसन, इन्होंने 1959 में किस प्रकार क्लासिफाई किया। तो हम देखें, बेंथम एंड हुकर ने इसे फेनेरोगेम्स के अंतर्गत रखा, जबकि हचिनसन ने इसे एंजियोस्पर्मी के अंतर्गत रखा। बेंथम हुकर ने इसको डाइकोटिलीडॉन्स, ठीक है, और हचिनसन ने भी इसे डाइकोटिलीडॉन अर्थात द्विबीजपत्री पौधे, जिसको कहते हैं, उसमें रखा। पॉलीपेटिली के अंतर्गत बेंथम एंड हुकर ने इसे रखा और इसे लिग्नोसी के अंतर्गत रखा। इसका ऑर्डर रूटेल्स कहलाएगा, ठीक है, ऑर्डर जो है रूटेल्स, फैमिली रूटेसी। तो हचिनसन का सिंपल क्लासिफिकेशन 1959 में बताया गया, बट यहाँ पर पॉलीपेटिली, डिस्किफ्लोरी और जो यहाँ पर बताया गया है जिरेनियल्स, एक ऑर्डर बताया गया जिरेनियल्स, ठीक, यहाँ पर रूटेल्स ऑर्डर। तो इस प्रकार इसको क्लासीफाई किया गया। हम देखते हैं इस फैमिली का क्या इंपॉर्टेंट है। तो लगभग इसकी इस फैमिली को कहा जाता है कि फ्रूट का जो है जो उत्पादन होता है, अर्थात जो फलों के उत्पादन से रिलेटेड फैमिली है, सबसे बड़ा जो है फैमिली इसको कूल कहा गया। ठीक, लगभग 150 जेनेरा एंड 900 स्पीसीज इसके अंतर्गत इंक्लूड की गई है। इसकी जो फैमिली के मेम्बर्स है अधिकतर ट्रॉपिकल रीजन में, जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका ट्रॉपिकल जो रीजन है इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। मतलब इस फैमिली के मेंबर जो हैं इस क्षेत्रों में ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देखें हम इसके, तो प्रकृति क्या, हैबिट क्या होती है, रूट इसकी किस प्रकार की होती है, टैप रूट होती है या स्टेम देखें, लीफ देखें। तो हम हैबिट प्रकृति देखें तो प्रकृति में यह बहुवर्षीय होते हैं, ठीक है, पेरिनियल प्लांट्स कहलाते हैं। कुछ कुछ श्रब्स एंड ट्रीज भी, झाड़ी नुमा पौधे और वृक्ष भी होते हैं। इनमें मूसलाझार, ठीक है, टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, ब्रांच होता है, काफ़ी शाखित होता है। अधिकतर जो प्लांट्स होते हैं इन्फेक्टेड विद फंजाई, मतलब अधिकतर पौधे जो होते हैं वो कवक से ग्रसित होते हैं, मतलब जो इनकी जड़ें हैं फफूंद से, फंगस जो होती है उसके द्वारा ग्रसित होती है, इन्फेक्टेड होती है। इसके बाद हम देखें आगे स्टेम, तो स्टेम इसका काफ़ी वुडी होता है, कास्टी जिसको हम कहते हैं, ठीक, वुडी ब्रांच्ड होता है, शाखित, इसमें कुछ जो कांटेदार है ना, जो स्टेम है कांटेदार स्पाइनी टाइप का होगा, बेलनाकार भी होता है, कुछ कुछ स्टेम सिलिंड्रिकल एंड सॉलिड भी कुछ कुछ होता है। लीफ देखें तो लीफ सिंपल और कंपाउंड दोनों हो सकती है, अल्टरनेट फॉर्म में भी होती हैं, सरल और संयुक्त पत्ती, अल्टरनेट एकांतर क्रम में भी, कभी कभी किसी किसी प्लांट में अभिमुख अपोजिट टाइप की लीफ भी पाई जाती है। रूटेसी फैमिली का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इनमें एक्सटिपुलेट अर्थात जो सिट्रस की लीफ है, सिट्रस की लीफ में पंखनुमा स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं विंग पेट्यूल, ठीक है, हिंदी में हम उसको बोलते हैं व्रंथ, सामान्य भाषा में विंग पेट्यूल, जो कि पंखनुमा संरचना का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी कई, इनमें अनेक वैज्ञानिकों ने प्रारंभ में लीफ के अंदर लीफलेट की होती है, परंतु परिपक्व होने पर उसमें लीफलेट गिर जाते हैं, कुछ कुछ वैज्ञानिकों ने ये बताया लीफ के बारे में। और भी कई चीज़ें इसमें, कुछ में लीफ जो है ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है, जिसमें से ऑयल सीक्रेट होता है, इसका मेन एक इंपॉर्टेंट हो गया कैरेक्टर हो गया। इसमें एक स्पेसिफिक टाइप की जो है स्मेल आती है, इस फैमिली का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। क्यों, कारण उसका ये कि ऑयल ग्लैंड्स और तेल ग्रंथियाँ प्रेजेंट होती है, जिससे कि जो सुगंधित तेल ऑयल या वाष्पशील से जो ऑयल है वो सीक्रेट होता है। तो लीफ के कारण ही इस, जैसे हम नींबू का पौधा है, नींबू के पौधे की पत्ती को यदि हम देखें हाथ लगाकर उसको, तो हमें अलग ही एक अलग प्रकार की स्मेल आएगी, ठीक, वो उसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैगा। तो ये फैमिली रूटेसी इंपॉर्टेंट हैगी, कई बार एग्जाम में आई है। दो प्रकार के वैज्ञानिकों ने इसको क्लासीफाई किया, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा हुआ है, आप देख लें, वर्ड मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों बोले हैं, जो आपको डिटेल से समझाया है वीडियो में, हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। इसका हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्लोरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, पुष्पीय लक्षण क्या होते हैं। थैंक यू सो मच।